आपको हाइलाइट्स में सबसे पहले दिखेगा डेली रूटीन, और उसके बाद आपको दिखेगा फार्मर्स मार्केट यहाँ की, और फिर लास्ट यहाँ आज अर्णव खत्री मैन ऑफ द मैच बन जाएगा अपने फुटबॉल गेम में। सो यही थी हाइलाइट्स, और बने रहिए आप खत्री लंदन के साथ और चीज़ें देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का दिन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आज अभी 7:30 हुआ है और मैं पूरी रेडी भी हो चुकी हूँ, बस ऑफिस जाने को तैयार हूँ। मैंने पूजा भी कर ली है और मैं आपको दिखाती हूँ कि और मैंने क्या क्या कर लिया है। हाँ तो ये देखिए, इसमें मैंने इसमें राइस है और इसमें राजमा है, और ये मैंने पास्ता बनाया था इसके ब्रेकफास्ट के लिए, और वो गोभी है जो कि थोड़ी एक्स्ट्रा फ्राई हुई हुई है, गोभी मटर। सो चपाती उसके अंदर रखी है कैसरोल के अंदर। सो किचन मेरी एकदम क्लीन लग रही है, बिकॉज क्लीन क्यों लगेगी, क्योंकि मैंने करी है क्लीन। ये अर्णव का टिफ़िन, मेरा टिफ़िन, देखिए हमारा मंदिर, पूजा भी कर ली मैंने, तो आज मुझे काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है। और ये दोनों क्योंकि 7:30 हो रहे हैं तो अभी सो रहे हैं। ओके 7:45 हो गए हैं और अब मैं चलती हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ। तो मुझे लगा आज टाइम से रेडी हो गई हूँ तो टाइम से निकलती हूँ, आराम आराम से जाऊँगी, भागने नहीं पड़ेगा। और जैकेट ले ली मैंने अपनी, और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ शाम को, और सुमित और अर्णव करेंगे कंटिन्यू। स्कूल जाते हुए लिफ्ट के इंतजार में खड़ा हुआ है ना, यहाँ पर लिफ्ट की वही प्रॉब्लम आएगी, कभी भी टाइमली नहीं आती। और सुबह सुबह का टाइम तो स्पेशली, जब सब लोग स्कूल और ऑफिस जा रहे होते तो काफ़ी देर वेट करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमारी दूसरी लिफ्ट जो है उसका काम चल रहा है और होपफुली वो थोड़े दिनों में सही हो जाएगी। तो अर्णव स्कूल जा चुका है और नेहा भी अपने ऑफिस पहुंच चुकी है, और मेरे ऑफिस से स्टार्ट होने में 15-20 मिनट बाकी हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे नीचे कुछ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आऊँ। आपको बताता हूँ कि हमारे घर के पास में एक फार्मर मार्केट लगती है कि जो कि जहाँ पे आपको एवरीडे बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। वैसे तो यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी आपको ये सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल है, पर ये फार्मर मार्केट है, इसका अलग ही मज़ा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया की मार्केट में आ गए हैं, जहाँ आपको सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाहर टेबल्स पे एंड छोटी छोटी बकेट्स में मिलेंगे, और वो रियली वेरी फ्रेश, रिफ्रेशिंग और ऑर्गेनिक रहते हैं। तो हम आ गए हैं मार्केट की तरफ, और मार्केट की तरफ मैं सामान लेने जा रहा हूँ, पर उससे पहले आपको बताऊँगा कि आज इधर सर्दी तो है बट पहले की जैसी नहीं है जब से लास्ट वीक तक हुआ करती थी, क्योंकि लास्ट वीक में बारिश भी काफ़ी हो रही थी। तो वो बारिश नहीं है बट सर्दी अभी भी है, 9-10 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, पर हवा बहुत तेज़ चल रही है, जब पैदल चलते हुए भी यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है। चलो चलते हैं मार्केट की तरफ। जो आपको मार्केट दिख रही है यही है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मार्केट, फार्मर्स मार्केट। अब हम यहाँ से देखते हैं कुछ अगर मिल सके तो। आलू ले लो, कांदे ले लो। हम अपना सामान जो कि लेके आना था वो लेके आ चुके हैं मार्केट से। मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम क्या क्या लेके आए हैं। भाई ये है जो हम लेके आए हैं, हम लेके आए हैं टमाटर और गार्लिक, और ये अपना अनियंस और बनाना और कुकम्बर। एक चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो फार्मर मार्केट में एक फ़ायदा ये है कि आपको टमाटर बहुत लाल मिलेंगे, वैसे अगर आप इधर जाओगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपको मिल जाएंगे टोमेटोज, बट वो इतने रेड नहीं होते। और यही फ़ायदा रहता है कि यहाँ पे एकदम अपने देसी टमाटर मिले हैं इंडिया के जैसे, तो हम तो यहीं से लाना प्रेफर करते हैं। आप कुकुम्बर भी देखिए, कुकुम्बर भी कितना बढ़िया है और साइज़ भी कितना अच्छा है, और ये सारी फ्रेश वेजिटेबल्स रहती हैं और एकदम ऑर्गेनिक रहती है। सो दैट्स द रीज़न वी प्रेफर टू गो। कुछ लोग इसे फार्मर मार्केट कहते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट, भाई हमारे लिए तो ये मंडी है, सब्जी मंडी इंडिया वाली। तो ये था आज का हमारी शॉपिंग। भाई अर्णव स्कूल से आ गया, तो ये बता तू ये वाली जैकेट क्यों पहन के गया था, दूसरी पहन के गया था रोज तो? क्योंकि जो मेरी पुरानी वाली जैकेट थी वो थोड़ी सी मतलब फट गई थी, तो मम्मी ने कहा कि वो स्टिच करेंगे उसको, तो इसलिए आज मैं ये पहना था। और इतना स्वेट क्यों हो रहा था? इतना स्वेट क्योंकि मैं रेस कर रहा था और मैं फर्स्ट आ गया। वाओ, क्या किया आज स्कूल में? फिर स्कूल में पढ़ाई बस,
पढ़ाई करी और खेला, तो उसमें मैं फुटबॉल में मैन ऑफ द मैच बन गया। फुटबॉल में मैन ऑफ द मैच? अब क्रिकेट में होते ना वो, तो फुटबॉल में भी होते हैं। हम तो क्रिकेट में देखते थे। आप फुटबॉल के मैचेस देखते थे? कभी कभी, ज़्यादा नहीं, कभी कभी। तो आपने क्या किया, क्यों बने? क्योंकि मैं पहले जो अपनी टीम में था उसमें मैंने एक पेनल्टी स्कोर करी, फिर मेरी टीम चेंज हो गई, मैं दूसरी में चला गया, उसमें मैंने एक पेनल्टी स्कोर करी और मैंने बहुत अच्छा खेला और मैं गिरा भी तब मैं रुका नहीं। ओह ओह, तो कौन है आपका वो फेवरेट प्लेयर फुटबॉल में? रोनाल्डो। उसके ऐसे करके दिखा एक बार कैसे करता रोनाल्डो गोल करने के बाद। चलो जी, खाना खाने का टाइम हो गया है और आज देखते हैं खाने में क्या बनाए। लेटर दैट नाइट, तो डिनर टाइम हो चुका है और अब हमारा खाना आ चुका है। खाने में आज है हमारे पास डिनर में राजमा मिक्स वेज एंड होममेड लच्छा पराठा। तो हमने डिनर कर लिया है, वीडियो भी एडिट हो गया है और अब सोने का टाइम हो चुका है। Are you taller than me? Yes, you are. So, so now last में आप कुछ कहना चाहेंगे? So, if you like the video, then do subscribe, comment and share. And we'll see you in the next video. Till then, bye-bye.